अपने अपने घरों की दशा और दिशा सुधारने और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए देश भर में महिलाओं ने आज दशा माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने सूत के धागे में 10 गांठें बांधकर पीपल के वृक्ष को धागा लपेटकर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। दशा माता व्रत के दिन मुख्यतः भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत के 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती है और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उसकी पूजा करती है। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा गले में बांधती है। घर आकर द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के छापे लगाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और एक समय भोजन भी किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित रहता है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके सारा कचरा बाहर फेंक दिया जाता है। आज दशा माता का दशा माता के दिन सभी ले घर की साफ सफाई करके सब झाड़ू पोछे सब करने के बाद फिर यहाँ नहा के पूजा करने आते दशा माता की। बड़ और पीपल की पूजा करते हैं आज और डोरा लेके पूजा करके 10 परिक्रमा लगा के और फिर गले में डोरा बांधते हैं। उसके बाद वहाँ सिक्के से वहाँ की छाल निकाल के सोने के रूप में घर ले जा के उसको रखते संभाल के और इससे घर में सुख समृद्धि होती है। माता का पूजन किया जा रहा है, इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि आज घर की शांति के लिए दशा माता का पूजन किया जाता है। हम सभी लोग यहाँ शंकर मंदिर में एकत्रित हुए हैं क्योंकि दशा माता का पर्व है और यहाँ पर सबसे पहले पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में देवता निवास करते हैं, इसीलिए दशा माता के दिन पीपल की पूजा की जाती है। उसके बाद हम लोग पथवारी की पूजन करते हैं। पथवारी के पूजन के पश्चात गेहूँ, ऐसी मान्यता है कि खेत बोया जाता है ताकि हमारी भी खेती जो है हरी भरी रहे। ऐसी मान्यता लोग बोलते हैं कि सोना होता है वो और घर में साल भर अपने समृद्धि बनी रहे, इसलिए यहाँ पर वृक्ष की छाल निकाली जाती है। आपका नाम? मेरा नाम पूजा शर्मा। आज रविवार का दिन है, आज हमने दशा माता की पूजा की है और ये दशा माता की पूजा साल भर में एक बार आती है। ये अपने घर की दशा सुधारने के लिए की जाती है जो कि आज हमने की है। जयराम, आज दशा माता का पर्व है। इस दिन सुबह माताएं जितनी जल्दी उठकर घर की जितनी भी झाड़ू निकाल के दशा यानी गरीबी को बाहर निकाल के दशा यानी अच्छी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए पूजन करते हैं और विधिवत यह पूजन होता है। दशा माता का पूजन होता है, इसमें नल और राजा दमयंती की कहानी सुनाई जाती है और आज का दिन जो है बहुत विशेष है। इस दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर दशा माता व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह रहता है। महिलाएं सज धज कर पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, देपालपुर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।